हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। एक नए वीडियो के साथ मैं एक और हॉल लेके आ गई हूँ। तो आज मैं लेके आ गई हूँ कुर्ता सेट हॉल। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ 4 प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो कि मीशो के होने वाले हैं, 3 प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट अमेजोन का होने वाला है। दिस इज फर्स्ट टाइम कि आई एम ट्राइंग सम अदर फैब्रिक। अदरवाइज मोस्टली आपने मेरे मुँह से सुना होगा कि मैं कॉटन के कुर्ता सेट ज़्यादा पसंद करती हूँ, कॉटन के कपड़े ज़्यादा पसंद करती हूँ। कॉटन में थोड़ा लिमिटेड हो जाता है चीज़ें। तो इस बार इस हॉल में आप कॉटन के अलावा और भी फैब्रिक देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कॉटन के फैब्रिक कम पसंद आते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो कलर फेड होता है, दूसरा उनकी लाइफ भी कम होती है। तो इसके चलते मैंने कुछ अदर फैब्रिक भी ट्राई करे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हॉल। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुर्ता सेट से स्टार्ट करूँगी। कलर वाइज तो भाई बहुत ही सुंदर है, रियॉन फैब्रिक में आता है। तो ये है वो कुर्ता सेट, 3-पीस सेट आता है। ये है इसकी चुन्नी। तो कुर्ते से स्टार्ट करेंगे। कुर्ता टू गुड है, रियॉन का फैब्रिक आता है। नेक इसमें इस समय ये ट्रेंडी सी नेक चल रही है, थोड़े दिनों से ऐसी नेक है जिसमें बॉटम के फैब्रिक से नेक बनाई गई हुई है। वी शेप है, रैप वाला, 3/4 स्लीव आती है। स्लीव पर भी बॉटम के फैब्रिक की डिटेलिंग दी हुई है। ओवरऑल कुर्ता प्रिंटेड है, प्रिंट बहुत ही शार्प है, बहुत ही कलरफुल प्रिंट है और बहुत प्रिटी लग रहे हैं इसके प्रिंट। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं ऐसे बड़े बड़े प्रिंट देख के मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। नहीं तो क्या होता है, बड़े प्रिंट थोड़ा भड़कीले दिखते हैं, बट इसके बड़े बड़े प्रिंट हैं पर भड़कीले बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा, और कलर भी बहुत ही सुंदर है, और कलर बहुत ट्रेंडी है। इस समय ये कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। लेंथ कुर्ते की बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप वीडियो में देख लेना कि पहनने के बाद कैसा लगता है। साइज मैंने एल पिक किया हुआ है, हाइट मैंने 5'4" है, तो इस लेंथ का ये कुर्ता सेट आपको मिलेगा। फैब्रिक इसका रियॉन है। अब हम बात करेंगे इसके बॉटम की। बॉटम इस तरह की प्रिंट का आता है, आगे पीछे इलास्टिक है, साइड में पॉकेट है, और ऐसा लूज लूज सा पैंट प्लाजो काइंड ऑफ है। प्राइस इसका 700 के आसपास आता है, एग्जैक्ट प्राइस में मेंशन कर दूंगी। अब हम बात करेंगे दुपट्टे की। दुपट्टे का फैब्रिक कुछ अलग ही है। डिटेल में सिफॉन दिया हुआ था, बट दिस इज नॉट सिफॉन। आप देख सकते हैं इस तरह का फैब्रिक है, कौन सा फैब्रिक है ये मुझे नहीं पता। और ओवरऑल दुपट्टे में इस तरह की लेस लगी हुई है कुर्ते के फैब्रिक की, चारों तरफ दी हुई है। दुपट्टे की लेंथ बहुत अच्छी है, विड्थ बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल कुर्ता सेट बहुत अच्छा लगा मुझे, कलर बहुत अच्छा लगा, लुक वाइज बहुत अच्छा लगा। फैब्रिक रियॉन है, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको रियॉन के कपड़े पसंद हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीस है, डिसेंट सी एकदम। बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ता सेट पे। ये भी मीशो का ही कुर्ता सेट होने वाला है, 3-पीस सेट आता है। दिस इज प्योर कॉटन, माई फेवरेट। मुझे कॉटन के कपड़े बहुत पसंद हैं, तो बहुत ही अच्छा सा कॉटन का कुर्ता सेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर, ये है कुर्ता। कुर्ते में बहुत ही सुंदर सी नेक डिटेलिंग दी है। कुर्ते का एग्जैक्ट कलर थोड़ा सा मोबाइल में कम अच्छे से कैप्चर हो रहा है, सामने से कलर और सुंदर है। तो ये नेक बनी हुई है जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, मोतियों का काम हो रखा है, काफ़ी सुंदर सी नेक है। यहाँ पर मैं क्लोजअप पिक्चर लगा दूंगी तो आपको समझ में आएगा। बस ओवरऑल पूरे कुर्ते में इतना ही काम हुआ है, और ओवरऑल प्रिंटेड है, प्योर कॉटन है, और फैब्रिक एकदम सॉफ्ट सा कॉटन है, तो इसका कलर कम जाएगा अकॉर्डिंग टू वो जो मोटे मोटे से कॉटन आते हैं जयपुरी काइंड ऑफ, उनका कलर ज़्यादा जाता है, इसका कलर नहीं जाएगा। अब बात करेंगे इसके दुपट्टे की। दुपट्टा भी आपको कॉटन में मिलता है, इस तरह की प्रिंट का आता है दुपट्टा। 2 मीटर की लेंथ में आता है, पूरा ओवरऑल प्रिंटेड है, कोई भी कहीं से कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग वगैरह नहीं दी गई है। अब हम बात करेंगे इसके बॉटम की। बॉटम के पिक्चर में जो मॉडल ने पहना था वहां पर अफगानी सलवार थी, बट सामने से अफगानी सलवार मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा पैंट प्लाजो काइंड ऑफ बॉटम बना हुआ है, और लास्ट में नीचे मोहरी अफगानी सलवार की तरह बनी हुई है बस, और जरा सा भी लूज वगैरह नहीं है। तो ये पैंट प्लाजो काइंड ऑफ बॉटम है, बस मोहरी बना दी गई है, तो अफगानी सलवार तो ये बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक लग रहा है, बट अगर सलवार होता तो और भी सुंदर लगता, मैंने सलवार सोच के ही मंगाया था। आगे पीछे इलास्टिक आती है, पहनने के बाद लुक इसका इस तरह आता है, तो आप देख लें। और मैं फैब्रिक क्वालिटी की बात करूंगी तो वो टॉप नॉच है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट मीशो का एक कुर्ता सेट होने वाला है, जो कि लुक वाइज काफी अच्छा है, डिसेंट सा पीस है। स्टार्ट करेंगे हम कुर्ते से। लाइट ग्रे कलर में आता है, शाइनिंग के साथ, डल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मे बी आप वीडियो में उतना क्लियर ना आ रहा हो, समटाइम लाइट इफेक्ट थोड़ी अलग अलग हो जाती है, बट सामने से इसका फैब्रिक और लुक बहुत अच्छा है, एकदम डिसेंट सी पीस है। यहाँ पर आप इसका ट्राई ऑन देख सकते हैं, बट ट्राई ऑन में मे बी आपको थोड़ा फिटेड लगे, क्योंकि ये मैंने एम साइज मंगा लिया था। एक्चुअली मैंने किसी और के लिए लिया है, इसलिए एम साइज लिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, कॉटन सिल्क इसका फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा, और अंदर आपको कॉटन की लाइनिंग मिलती है। बहुत कम ऐसे सूट आते हैं जिनमें कॉटन की लाइनिंग मिलती है, मोस्टली आपको सेंटून और पॉलिस्टर की लाइनिंग मिलेगी बस, बट इसमें आपको कॉटन की लाइनिंग मिलती है। ये इस तरह का कुर्ता आता है। ओवरऑल कुर्ता आपको प्लेन मिल जाता है, कोई भी डिटेलिंग वगैरह कुर्ते में कहीं भी नहीं दी हुई है। स्लीव भी एकदम सिंपल सी 3/4 है, नेक भी आपको राउंड नेक शॉर्ट नेक के साथ मिलता है, ऑफिस के लिए बेस्ट है। बात करेंगे इसके बॉटम की, बॉटम सेम फैब्रिक का आता है, इसमें लाइनिंग नहीं है इसलिए और सॉफ्ट सा है। आगे पीछे दोनों आपको इलास्टिक मिल जाती है, साइड में राइट साइड आपको एक पॉकेट मिल जाती है, और लूज लूज पैंट प्लाजो काइंड ऑफ है। तो ये है इसका बॉटम। फुट में एक दुपट्टा भी आता है जो टोटली डिफरेंट है, तो आप उसको एज ए कुर्ता सेट पहन सकते हैं विदाउट दुपट्टा, बहुत ही क्लासिक लुक देगा, और आप दुपट्टे के साथ उसे थोड़ा सा और एथनिक लुक दे सकते हैं, थोड़ी सी फेस्टिव वाइब दे सकते हैं। तो वाइन कलर का दुपट्टा आता है, दुपट्टे में ओवरऑल छोटी छोटी बूटियां बनी है ग्रेस व्हाइटिश कलर की, जो कि एक थ्रेड वर्क है। दुपट्टे का फैब्रिक सिफॉन है, लेंथ ओके है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा नहीं है, एकदम नॉर्मल सी जो 2 मीटर के दुपट्टे होते हैं वैसा है, कोई भी लटकन वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है। तो ये है नेक्स्ट पीस, जो हाईली रिकमेंडेड है, अगर अंडर बजट अकॉर्डिंग टू प्राइस तो हाईली रिकमेंडेड है, लुक वाइज भी डिसेंट सा है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ता सेट अमेजोन का है, आप पिक्चर यहाँ देख सकते हैं। बॉटम से स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा अच्छा है फैब्रिक वाइज। ये इसका बॉटम प्रिंटेड सा फैब्रिक इसका ठीक है, पहना जा सकता है, ओके है। सिंपल वही प्लाजो कट, सिंपल पैंट प्लाजो काइंड में है, आगे से इलास्टिक पीछे से इलास्टिक दोनों तरफ से। कुर्ती इसकी फ्रॉक वाली है, मैं मोस्टली स्ट्रेट कुर्ते शेयर करती हूँ, तो इस बार मैंने एक फ्रॉक वाला कुर्ता मंगाया था। तो अब बात करेंगे कुर्ते की, जो कि वी नेक के साथ आता है। पिक्चर में इतना अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और ओवरऑल प्रिंटेड है, दो इधर गोटा पट्टी की थोड़ी सी डिटेलिंग दी गई है स्लीव पर, और यहाँ से ये गैदर के द्वारा अटैच किया गया है, प्लेटिंग नहीं है, गैदर्स हैं, और नीचे ओवरऑल प्लेन है। घेरा इसका ओके है, ऐसा कुछ बहुत अच्छा फ्लेयर नहीं है, बट बेकार भी नहीं। कॉटन ब्लेंड काइंड ऑफ फैब्रिक है, मींस कॉटन में जो पॉलिस्टर मिक्स होता है वैसा फैब्रिक है, बिल्कुल भी मुझे तो कंफर्टेबल नहीं लगा ऐसे, मतलब समर में तो बिल्कुल पहनने वाला नहीं है, बाकी आप विंटर के लिए डेफिनेटली ले सकते हैं। तो ये है कुर्ता। अच्छा, कलर डिजाइन अभी भी पिक्चर में कितना अच्छा लग रहा है, बस फील जो है वो मजेदार नहीं लगी मुझे। दुपट्टा भी उसी तरह मतलब मिक्स वाला कॉटन है, तो बिल्कुल मुझे नहीं पसंद। मुझे पूरे सूट का फैब्रिक अच्छा कम लगा, कॉटन ब्लेंड काइंड है, विस्कस रियॉन फैब्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था। तो सूट दुपट्टा बॉटम तीनों ही सेम फैब्रिक का है, तो इसमें पॉलिस्टर मिक्स है कॉटन में, तो थोड़ा कंफर्टेबल कम है, तो मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। बस अगर आपको लुक वाइज अच्छा लग रहा है तो आप विंटर्स वगैरह के लिए ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने 4 प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। 3 प्रोडक्ट मीशो के थे, 1 प्रोडक्ट अमेजोन का था। सबकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप सारे प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं। सबका मैंने ऑनेस्ट रिव्यू किया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, सी यू सून।